स्मिता स्मिता पाटिल अलमाज मुंबई। आपने लॉकेट भी अलमाज पहना हुआ है ना? हाँ 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 हाँ, ताकि बताना ना पड़े दोबारा। मानिका, माहिका, या मेरे कान खराब है या नाम मैं बता रहा हूँ ना, आजकल सबके यूनिक। रिंचा, रिचा रख लेते क्या चला जाता तुम्हारा। Guys, मैं हूँ अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। और अपने वादे के मुताबिक हम फिर से हाजिर है लेकर इंडिया का एक लौटा रात वाला फैमिली शो। गुड नाइट इंडिया। वैसे दोस्तों, शादी में दो परिवार एक हो जाते हैं, लेकिन गुड नाइट इंडिया में पूरा इंडिया एक हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके साथ खुशियों के फेरे लेके, मुस्कान की वरमाला के साथ गमों को विदाई करने वाले हैं। अपनी मम्मी की चॉइस के लड़के ठुकराने वाली चंडीगढ़ की शशि धीमन, बचपन में मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक टाइप की थी यार, मुझे लगता था कि मेरे सपनों का राजकुमार एक दिन सफेद घोड़े पे बैठ के ही आ जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि अकेला घोड़ा भी आ जाए, वो भी नहीं आ रहा। और अपनी सरप्राइज मैरिज से सरप्राइज यूपी के विनय तिवारी। बैचलर जो होता है ना, एकदम जानवर की तरह होता है, ऐसे दो शब्दों से बनता है, जानवर। आप बैचलर की जान निकाल लो तो जो बचता है ना वो वर होता है। आपकी ये शेरवानी देख के ना मुझे भी किसी के तो शादी में जाके ना डांस करने का मन कर रहा है। यार तुम वैसे ही डांस कर लो, ये अपने झिंग झिंग झिंगाट के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको कैसे पता मुझे झिंग झिंग झिंगाट पे ही डांस करना था? घूम फिर के डीजे के पास चार ही तो गाने होते हैं जिन पे वो नचा रहे हैं दुनिया भर को। तुम और छोड़ो, मैं तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ, बैठो मैं बताता हूँ डीजे के साथ क्या होता है। देखो यार, मैं ना पंजाबी फैमिली से हूँ, और हमारे यहाँ कोई भी शादी होती है ना, शादी में और कुछ हो ना हो, डीजे जरूर आता है। भाई डीजे को लगता है कि मैं गाने मैनेज करता हूँ। पंजाबियों का ये होता है कि बात सुन, गाने हम मैनेज करेंगे, तू हमको मैनेज कर लियो बस। तो हमारे फंक्शन पे जब भी डीजे लगता है ना, पहला एक घंटा डीजे अपने अंदर के आर्टिस्ट को खुश कर रहा होता है। वो गाने चलाता है जो उसकी मर्जी के हैं, क्योंकि स्टेज पे कोई है नहीं, सिर्फ तीन चार बच्चे होते हैं। कोई हार खींच रहा है, कोई गुब्बारे खींच रहा है। बेसिकली जो भी उनके माँ बाप वहां पे स्टेज से उखाड़ के उनको दे पाए कि ये ले जा मर, अगले दो घंटे शक्ल मत दिखाई। पहला एक घंटा ये चलता, उसके बाद धीरे धीरे एक कजन को ध्यान आता कि यार डांस भी तो करना, तो बाकी दो कजन्स को कंधे उचकाता हुआ लेके आ रहा होता, और वो बाकी दोनों जो है वो शर्मा रहे होता कि नहीं यार रहने दे, अभी चढ़ी नहीं तो शर्म कैसे उतरेगी। दूसरे पैक के बाद चढ़ते हैं अंकल जी। अंकल जी के पास कोई स्टेप्स नहीं, अंकल जी को स्टेप नहीं आते, अंकल जी को आता मोशन। अंकल जी का स्टेज पे एक ही मोशन होता है, और ये होता उनका यही मोशन चल रहा है वहां पे शादियों में, वो डांस करे और भीगे होंठ तेरे। और फिर हो जाता है थर्ड पैक। थर्ड पैक के बाद अंकल जी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं अपने सिर पे कुछ भी बैलेंस कर सकता हूं, तो वो एक लार्ज पैक बनाते हैं स्कॉच विस्की का, और उसको सर पे रखते हैं, क्योंकि शराब के पैसे उनके तो लगे नहीं है। तीन पैक के बाद स्टेज भर चुका होता है, सारे कजन सब चढ़ चुके होते हैं स्टेज पे। तब तक एक आधे कजन को और ध्यान आता है कि यार लड़का लड़की तो रह गए, उनको भी तो डांस करवाना है, उनको भी तो लेके आओ। अब लड़का लड़की क्या है कि लड़के को तो उसके फ्रेंड्स एक दो पैक पिला चुके हैं ऑलरेडी, वो तो रेडी आने। लड़की को उसकी मम्मी ने समझाया हुआ है कि बेटा वो बुलाने आएंगे, पहली बार में मत चले जाना, नहीं तो उनको लगेगा लड़की तेज है। पर ये भी ना हो कि वो बुलाते रह जाएं और तू उठे ना, कि उनको लगे लड़की ढीठ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन इंडिया।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.